Good morning, student. Morning, ma'am. I am senior secretary school. Your math teacher. आज हम जो आपकी जो बुक है ना, बुक में जो आप अपनी बुक ओपन कर लो, बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, है ना। पहले जो बुक में है ना, एडिशन किए आपने, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन सब किए। अब जो आज आपकी जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बुक में आपका पेज नंबर 5 में देखो बेटा, बुक निकालो ओपन करो। ऑल स्टूडेंट लेके आओ बुक, पेज नंबर 5 जल्दी से। आप देखो, लुक एट द पिक्चर। देखो फर्स्ट पेज पे आपकी पिक्चर है, देखो है ना, बुक में है ना, फर्स्ट पेज पे पिक्चर है। तो उसमें केयरफुली आपको देखना। हाँ जी, बुक है पिक्चर में देखो। नाउ ड्रॉ इन मैनी लाइन एज द फॉलोइंग लिविंग थिंग्स आर देयर इन द पिक्चर। यहाँ पे देखो स्पेरो है, तो आपको इस पिक्चर में से आपको काउंट करके बतानी है कि जो स्पेरो है वो कितनी है इसके अंदर, हाउ मेनी। तो आप यहाँ देखो कितनी है इसमें, 1 है क्या? हाँ, यहाँ पे लिखो, देखो पिक्चर दे रखी है, उस पिक्चर में से आपको देख के यहाँ पे 1 लिखना है। लिखो आपने 1, हाँ। अब देखो लोयन, देखो लोयन है वो कितना है वो बताना आपको। तो उसके लिए आपको लाइन ड्रॉ करनी है, काउंट करके देखो इसमें कितने है, 1 है, 2 है, कितने आ रहा है लोयन इसमें, 1 है। तो यहाँ पे जो लोयन का जो पिक्चर बना हुआ है वहां पे आपको 1 नंबर क्या करना है, राइट करना, यानी 1 लाइन लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे लोयन कितना है हमारा, 1 है। इस पिक्चर में जो लाइन है वो क्या है, 1 है। उसके बाद में पैरेट, किसकी पिक्चर बनी है, पैरेट है इसमें, देखो पैरेट है इसमें। अब उसको देखो आप पिक्चर में, हाँ आप काउंट करो कि कितने है वो, हाउ मेनी पैरेट। तो पैरेट कितने इसमें, कितने पैरेट है देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 कितने, 4। तो वहां पे आप क्या लिखोगे, 4 लिखा, 4 आपने, 4 होता है, 4 लिखो। किस पैरों की जगह पे मैम, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 5 है बेटा, देखो फर्स्ट पेज ही है अपना, है ना, उसमें जो फर्स्ट पेज है वही है, उसमें क्लियर है ना। जो हिरन है वो कितने है उसमें, तो काउंट करो, देखो कितने पानी पी रहे इसमें, 1 2 3 तो कितने हैं, 3। तो वहां पे आपको कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। 3 लाइन ड्रॉ करी आपने, पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखो एक्सरसाइज है हमारी कंपेयरिंग, एक्सरसाइज 1.1 है। यूनिट कौन सी है, फर्स्ट यूनिट है ये, कि हमें दो चीजों में कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब होता है उन दो चीजों में हमें तुलना करनी है कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है ना, कंपेयरिंग यानी तुलना करना। अब है, अब एक दो वर्ड लिखवा रही हूँ उनको आप लिख लो। तो मीनिंग है इसमें बिगर, बिगर का मतलब क्या होता है, बड़ा। बिगर का क्या मतलब होता है, बड़ा। तो यहाँ लिखोगे आप, उसके बाद है स्मॉलर, है ना, क्या है आपको, स्मॉलर का मतलब क्या होता है, बिगर का मतलब होता है बड़ा, बिगर का क्या मतलब होता है, बड़ा, ठीक है। फिर है स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब क्या होता है, छोटा। अब एक और लिख लो आप, डैश लगा के लिखो, बड़ा। हैवी यानी भारी, कोई भी चीज हैवी होती है यानी भारी होना। उसके बाद लाइटर,
लाइटर, लाइटर का मतलब क्या होता है? छोटी होना चीज है ना, छोटी या हल्की होना, कोई चीज हल्की, यानी लाइटर है ये तो, लाइटर देन है यानी हल्का। मेरे दिया दिया। सबसे पहले आपको ये जो मीनिंग्स है बेटा ये आपको लर्न करनी है ना। तो बिगर का मतलब क्या होता है? बड़ा। उसके बाद में स्मॉलर यानी छोटा, स्मॉलर का मतलब क्या होता है? छोटा। हैवियर यानी भारी चीज, इसमें वजन क्या होता है? ज्यादा होता है। हैवियर यानी कोई चीज भारी, इसका वजन क्या होता है, जो वेट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद है लाइटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या होता है? कम होता है, हल्का होता है। आया समझ में? लिखा आपने? अब देखो पिक्चर में एक तो क्या दे रखा है? एलिफेंट दे रखा है। एक तो कौन है? एलिफेंट है। दूसरा कौन है यहाँ पे पिक्चर में? कौन है? देखो बुक में एक साइड में आपके क्या दे रखा है? एलिफेंट दे रखा है, और एक साइड में क्या दे रखा है? मंकी। तो हमें ये बताना है कि इसमें बिगर कौन है और कौन है स्मॉलर कौन है। तो बिगर कौन होगा, एलिफेंट होगा या मंकी होगा? किसका? हाँ, तो कौन होगा? एलिफेंट। तो ये हमारा कौन है? बिगर है। कौन है? बिगर है, यानी इसमें क्या होता है? बड़ा है ये। और मंकी क्या होता है? मंकी क्या है? स्मॉलर है। किससे स्मॉलर है? वो है एलिफेंट से, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे? स्मॉलर। ये हो गया स्मॉलर। आया समझ में यहाँ तक? द एलिफेंट इज बिगर देन द मंकी। जो एलिफेंट है वो बिगर है किससे? मंकी से। और वी कैन से द मंकी इज स्मॉलर देन द एलिफेंट। जो मंकी है वो स्मॉलर है किससे? एलिफेंट से। ओके स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज है उसमें देखो, एक्सरसाइज में कलर सर्कल, आपके पास जो कलर है वो क्रियोन्स वाले कलर है वो बेटा साथ में रखो, ठीक है। इसमें क्या पिक्चर में आपको कलर करने हैं। कलर द सर्कल ग्रीन फॉर बिगर ऑब्जेक्ट एंड येलो फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। आप इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, यानी दो चीजें हमारे पास दे रखी है। आपने लिखा ये सब ऑस्ट पेट ने? आप देखो यहाँ पे एक्सरसाइज में कैसे राइट कर देती हूँ मैं। पहले क्वेश्चन सुन, देखो कलर द सर्कल क्या है? ग्रीन। क्या कौन सा कलर करना है? ग्रीन फॉर बिगर, जो बड़ी चीज है उसके को उसपे कौन सा कलर करना है आपको? बिगर। एंड ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? वस्तु। ठीक है, क्या बोला उसने? कलर द सर्कल ग्रीन फॉर बिगर ऑब्जेक्ट, जो ग्रीन जो बिगर ऑब्जेक्ट है उसपे आपको कलर कौन सा करना है? आपको ग्रीन कलर करना है। एंड येलो फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, और क्या लिखा उसने? येलो, येलो फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो आपकी बुक में बना हुआ है, एक क्या है? बकेट है। देखो ये बना दिया ना, उसके बाद में ये इसका। अब यहाँ पे देखो एक आपके सर्कल बना हुआ है बुक में, देखो सर्कल है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या है? एक कप बना हुआ है। क्या है? कप है। हाँ, इसपे भी क्या बना हुआ? सर्कल। अब आपको बताना है कि जो बिगर ऑब्जेक्ट कौन सा है, बिगर कौन सा है? जो बकेट क्या है? बिगर है ना, तो उसपे कौन सा कलर करना है आपको? ग्रीन कलर। कौन सा कलर करोगे आप? ग्रीन।
हाँ ग्रीन कलर करो इसपे, और उसने क्या पूछा फिर बोला है उसने येलो फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसपे कौन सा कलर करना है हमें, येलो। तो यहाँ सर्कल बना हुआ आपके, उसपे आपको जो येलो कलर है वो फाइन करना है ना, उससे आपको और जो क्रियोन से वो लाइट करो बेटा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा इसी के अंदर एक और है, एप्पल बना है और एक गुआवा है, उसमें भी आपको जो एप्पल है वो क्या है, बिगर ऑब्जेक्ट है, एप्पल क्या है, एप्पल बना हुआ ना आपको ड्रॉइंग, ठीक है ये क्या है एप्पल बना हुआ, एक क्या है गुआवा है, इसकी साइज क्या है छोटी है ना स्मॉलर। अब वही बताना है आपको, सर्कल बने हैं किस पे क्या करना आपको, ग्रीन, यहाँ क्या लिखोगे, ग्रीन कलर करना आपको है ना, और इस पे क्या करोगे येलो, ऐसे इस पे भी क्या करोगे इस सर्कल पे ग्रीन और यहाँ पे येलो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सर्कल दैट स्मॉलर फिगर विथ रेड एंड बिगर फिगर विथ ब्लू क्रियोन्स, है ना, इसमें भी आपको जो टू क्या दे रखी है, केक दे रखी है ना, तो जो बिगर है उस केक पे तो आपको रेड करना है, उस पे क्या करना आपको रेड कलर करना है, और जो स्मॉलर है उस पे क्या करना आपको ब्लू कलर। देखो साइड में इसके क्या बने हुए सर्कल बने हुए हैं, उसमें देखो तो यहाँ पे क्या बनाया हमने, केक बना देते हैं, ठीक है ये तो होगी बिगर, और इसको क्या बना देंगे, ये क्या है स्मॉलर, तो इस पे आपको कौन सा कलर करना है, रेड कलर करना है, बिगर वाले पे क्या करना है रेड, तो यहाँ आपको रेड कलर फिल करना है, और यहाँ पे कौन सा फिल करोगे ब्लू, कौन सा करोगे ब्लू, मैम आप अपोजिट बोल रहे हो कैसे, ये रेड बताया नहीं, अच्छा अच्छा कलर में देखो नहीं, हाँ इसमें आपको रेड करना है और यहाँ पे ब्लू, लिखा। अब नेक्स्ट है हैवियर एंड लाइटर, हैवियर का मतलब होता है कोई चीज भारी और लाइटर का मतलब होता है हल्की, यानी हल्की, द शिप इज हैवियर देन द बोट, जो शिप है वो हैवियर है किससे, बोट से, और वी कैन से द बोट इज लाइटर देन द शिप, और जो शिप है वो किस क्या है लाइटर है, जो बोट है वो लाइटर किससे है, शिप से। अब इसमें मुझे दे रखी है सेकंड वाली एक्सरसाइज, देखो 1.2 एक्सरसाइज 1.2 यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको कंपेयरिंग करना है, यानी उन दोनों के बीच में आपको तुलना करनी कि कौन छोटी है कौन सी बड़ी है। राइट H4 क्या था, हैवी,
एंड एल फोर लाइट अब क्या दे रखा है, स्टीम दे रखा है, एक क्या है इसमें स्टिक दे रखी है, फर्स्ट वाले में देखो एक में क्या है स्टिक दे रखी है, ये स्टीम दे रखा है तना, और ये वाला एक है स्टिक, अब इसमें ये बताना है कि जो हैवी कौन सी है और लाइट कौन सी है, ठीक है, हैवी कौन सी है और लाइट कौन सी है। यहाँ पे सर्कल बने हुए आपके, यहाँ पे भी क्या बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, तो हैवी जो एक पेड़ होता है उसकी जो स्टीम उसे उतना होता है वो क्या होता है, हैवी होता है, देन किससे, एक स्टिक से, एक लकड़ी होती है उससे, है ना, स्टिक से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये क्या है हैवी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम एच, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एल, एल का मतलब क्या होता है लाइट यानी हल्की, ये भी हो गया, ये लाइट हो गया। आप सेकंड वाले में देखो ऑब्जेक्ट में एक क्या है एप्पल बना है और एक क्या है लिली का है ना पत्ती है, आप देखिए सेकंड में वन वाले में क्या है, वन एप्पल बना हुआ है इसमें, ठीक है, और एक क्या बनी हुई है यहाँ पे क्या बनी हुई है, लीव्स बनी हुई है, देखो बुक में है ना, अब देखो जो एप्पल है वो क्या आएगा हमारा हैवी है, जो लीव्स है वो पत्ती क्या है लाइट है ना हल्की है वो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एच यानी हैवी, इसका वजन है वो क्या है ज्यादा है भारी है ये, और जो लीव्स है जो पत्ती है देखो पेड़ की वो क्या हो जाएगी आपकी लाइट यानी एल आ जाएगा यहाँ पे, अब नीचे देखो कलर द वेल ब्यूटीफुल, आपको नीचे वेल्स बनी हुई है उसमें क्या करना है कलर करना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें कलर फिल कर देना, हाँ, और आपको अपनी नोटबुक में भी इसको बनाना है, वेल इज द हैवीएस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ, जो ये वेल है वो क्या है सबसे भारी जो एनिमल है इस पृथ्वी की, अब हम ये वाला तो हमारा बुक का कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज
आपने टू थ्री टेन तक के स्टूडेंट है, रिटर्न किया आप लोगों ने? Yes, ma'am. निकुंजा लर्न की बेटा आपने, चलो तो वेरी गुड। अब देखते हैं डिवीजन आते हैं क्या आपको, है ना? तो आप हेडिंग डालो डिवीजन, ये तो आपकी एक्सरसाइज होगी 1.1 एंड 1.2। मैम आज का ये आपको डिवीजन आपने कभी नहीं किया, पेंसिल देखो चुप आ रहा है, हमें चुप चाहिए। डिवीजन में बस आपको ये बताना है कि वो नंबर है वो कितने नंबर पे आएगा। अब हमने लिखा पहले ये देखो, पहले ये देखो साइन है, एडिशन, ये सबट्रैक्शन का, ये मल्टीपल का, ये मल्टीपल का, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीपल, अब आप लोगों ने टेबल लर्न की थी ना, अब देखो इसमें जैसे सिक्स लिखा आप लोगों ने टेबल लर्न की ना, अब देखो इसमें अब हमें ये चेक करना है कि सिक्स की टेबल में, थ्री की टेबल में जो सिक्स है कितने नंबर पे आता है। यानी हमने लिखा थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा थ्री, थ्री जा नाइन, कितने नंबर पे आया वो 1 and 2। जो 6 है वो कितने नंबर पे आया हमारा, 2 नंबर पे आया। डिवीजन में क्या करना आपको, रिपीटेड सबट्रैक्शन ही होते हैं बेटा ये, तो इसमें क्या करना आपको, ये देखना है कि जो टेबल हम लिखते हैं उसमें जो नंबर है वो हमारा कितने नंबर पे आ रहा है। जो भी हम नंबर बोल रहे हैं, जैसे हमने 3 को बोला 6 बार, है ना, तो कितना आया हमारा 2 नंबर, 1 and 2। अब जैसे 8 लिखा डिवाइड बाय 2, अब देखना है कि 2 की टेबल में 8 कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आएगा वो 8। 2 की टेबल लिखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितने नंबर पे आएगा करो, 1 2 3 4, कितने नंबर पे आया ये 4 नंबर पे आया, 1 2 3 4। आप क्या करोगे, अब यहाँ 10, यहाँ 12 लिखा, यहाँ पे 3। तो आपको टेबल बोल के पता करना है कि जो नंबर है वो, जैसे 5 लिखा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 नंबर, तो 10 नंबर है वो 5 की टेबल में कितनी बार आया है, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बार, है ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। अब 2 की टेबल बोली हमने, 2 की टेबल में जो 6 है वो कितने नंबर पे आता है वो देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितने नंबर पे आया वो 3 जा, है ना, तो 3 नंबर, तो यहाँ पे आपको 3 राइट करनी। ये क्या है हमारे डिवीजन।
ये एडिशन का साइन है ना, और ये सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीपल, यहाँ टेबल बोलनी है आपको, और ये क्या है हमारा डिवाइड। हमने सीखी इसमें ना, तो फोरों में क्या है, अलग अलग क्या है इनके साइन है। अगर ये दिखे आपको तो नंबर को ऐड करना है आपको, अगर ये दिखे तो नंबरों को क्या करना है, कट करना है। उसके बाद में इसमें क्या करना आपको, टेबल बोलनी है कि वो कितने नंबर पे आ रहा है वो, है ना, बोलोगे आप। उसके बाद में यहाँ पे उस टेबल में जो हमारा नंबर है वो कितने नंबर पे आ रहा है वो बताना है। आपको टेबल फोर स्टूडेंट को क्या करनी है, अच्छे से टेबल्स है उनको लर्न करना है। मतलब होता है डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बार बार किसी को रिपीट सब्ट्रैक्शन को रिपीट करते हैं, बार बार उसमें कट करते हैं, वही क्या होते हैं हमारे डिवीजन। डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलो ये लिखते बेटा अपने नोटबुक में, और आप अपने टेबल्स बोल बोल के इनको फिल करो, है ना, टेबल्स बोल के आप लोगों को इनको फिल करना है। नो मैम, बिटा रही नहीं तू। हाँ फिल करो बेटा, आप लोग फिल करो आराम से। और ये जो डिवीजन है आपको देखते कितने टेबल लेना है आप लोगों को, टेबल चेक करो आप कि आपको आ रहा है कि कितने नंबर पे कौन सी चीज आ रही है, कौन सी डिजिट आ रही है हमारी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1, 1.3 एंड 1.4 लिखा बेटा आप लोगों ने। यस मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड बेटा, ओके स्टूडेंट। Thank you.